शेफ इन दोनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का, दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। टेस्ट लक्ष्य का पीछा किस तरह से किया जाता है, आखिरी कॉल टेस्ट के लिए दोनों टीमों से। सैब वॉरियर्स हनन स्पोर्ट्स क्लब कतार और सैब वॉरियर्स टेस्ट के लिए आपके लिए आखिरी कॉल है, कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आए। तो आइए इस मैच में वापस आते हैं जहां पर एक कड़ा संघर्ष देखने की उम्मीद की जा सकती है। दोनों पारंपरिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आकाश, नौ स्ट्राइक एंड पर बंटी है, जबकि दीपक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद आकाश के लिए, पहली गेंद को छोड़ दिया, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद गई छह रन के लिए। दीपक की पहली गेंद को कितने सही टाइमिंग के साथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल दिया छह रनों के लिए। आकाश के विश्वास का क्या कहना, दाएं हाथ से आउट विकेट, ये गेंद इस बार फुल टॉस रही, गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए तार को साथ में ले आते हुए पुश कर दिया, इससे पहले के लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर आकर गेंद को उठा ले, आसानी के साथ एक रन पूरा कर दिया आकाश ने, बढ़कर पहुंचे सात पर। और ऐसे बल्लेबाज बहुत कम होते हैं जो चौके और छक्कों से अपना खाता खोलते हैं, आकाश उनमें से साबित हुए, जबकि स्ट्राइक एंड पर अब नए बैट्समैन बंटी आ चुके हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में बंटी क्या कुछ कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, आकाश का कितना साथ निभाते हैं और एक बड़े लक्ष्य को, हालांकि निर्धारित आठ रोज के मैच के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 50 के ऊपर जो रन बने वो सम्मानजनक कहना होगा। गेंद को लेकर तैयार हुए बंटी के लिए लपेट कर ऑन साइड की दिशा में गेंद को उछालने का प्रयास मात्र कर पाए, संपर्क नहीं हुआ तो पाया, विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं, रन देने का अवसर नहीं है। रात के करीबन 8:50 हो चुके हैं और दीपक ने बहुत अच्छा कर दिया, स्टंप की ज्यादा बाहर थी, रीच करना चाहते थे लेकिन बहुत से दूर रही, अंपायर ने पुरस्कृत किया, वाइड से एक रन और खाते में जोड़ दिए गए। अक्सर हो जाता है, बौखला जाते हैं गेंदबाज, विश्वास टूट जाता है जब पहली गेंद पर छक्का लगता है, लेकिन वापस आने की आवश्यकता होगी क्योंकि कप्तान ने इस विश्वास के साथ उन्हें उतारा है कि वो विकेटों की तलाश को अंजाम दे और रनों पर अंकुश लगाए। शुरू कर दिया दीपक ने बंटी के लिए, ये गेंद लॉक कराने के प्रयास में थोड़ी फोटोस रह गई, गेंद गेंद को ड्राइव कर दिया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन की दिशा में गई, दोहरे प्रयास में भी सफल नहीं हुआ। तो क्रिकेट में ऐसा भी होता है, इसीलिए क्रिकेट के हर रंग हजार का आ जाता है। क्या खूबसूरत प्रयास रहा था, हालांकि स्ट्रोक को फुल टॉस बनाकर खेलने के प्रयास में पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बल्ले को लगकर गेंद मिड विकेट की दिशा में गई, वहां पर फील्डर ने दोहरे प्रयास में भी गेंद को रोकने में असफल रहे। इस बार खेला फील्डर की दिशा में, बॉकेबिडॉन थोड़ा डीप में है, गेंद को उठा चुके हैं, रन लेने का अवसर नहीं है। तो प्रयास अभी जारी है दीपक का कि वो आक्रमण को जारी रखें, लेकिन जिस लाइन की वो तलाश कर रहे हैं शायद अभी तक नहीं मिल रही है और इसी वजह से एकाग्रित होना समय हो जाएगा, पिछली गेंद को भूल कर उनको आक्रमण को जारी रखना होगा। गेंद और धन्यवाद। तो बंटी के आउट होने के पश्चात नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक एंड पर अभी आकाश विश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए, ये गेंद
बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ उछाल भी ज्यादा था, बल्ले को वो चलाया लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्ट्रोक जैसे कहते हैं जिसमें विश्वास कम था गेंद को, ये प्रयास अक्सर किया जाता है क्योंकि खास तौर पर जब तेज रफ्तार के गेंदबाजी करते हैं कहीं बल्ले से लगी तो निश्चित तौर पर लंबा फासला तय करता है। गेंद वैसे भी काफी भारी है, वजनदार है। सौरभ की गेंद रोड एंड से, ये गेंद जिस पर पीछे ने थोड़ा सा स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास किया, फील्डर बैकवर्ड ऑफ डीप में आए, गेंद को उठाकर निशाना ताना लेकिन बैट्समैन सुरक्षित पहुंच चुके हैं और निशाना भी चूक गया और बैट्समैन के पास एक रन लेने का जो समय था वो पूरा हुआ। इस एक रन के साथ रन पर कर 13 पर एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकेंट पर आ चुके हैं आकाश का साथ देने के लिए जबकि सौरभ की गेंद उस छोर से, ये गेंद दोबारा ब्लॉक होल में करने का प्रयास किया, गेंद को देखते हुए रक्षात्मक तरीके से बल्ले का मुंह खोलते हुए पुश कर दिया। रन लेने का समय बैट्समैन के पास नहीं है, रन सभी भी वहीं पर स्थित। तो दोबारा बुलाना चाहेंगे चिराग जी को जैसे हम चर्चा कर रहे थे, लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, पिछला मैच भी ऐसा ही रहा, लगभग 54 रन, इसमें मैं समझता हूं कि 56 रनों का लक्ष्य प्राप्त कीजिएगा इस मैच में जीतने के लिए। तो ऐसे में बल्लेबाज हालांकि शुरुआत तो अच्छी कर चुके हैं लेकिन अभी कहना होगा कि उनको उस रन गति को बरकरार रखना होगा। देखा गेंद को थोड़ा उछाल ज्यादा था, पीछे हटे बल्ले पर आने दिया, इंतजार किया थोड़ा सा गेंद का, हल्के हाथ से गेंद को पुश कर दिया, जब तक फील्डर आते गेंद के ऊपर एक रन पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। तो चिराग जिस तरह से मैं आपको बता रहा था बल्लेबाज के पास रन के बहुत सारे मौके बनते हैं, बाई लेग बाई नो बॉल वाइड और उसके अलावा सिंगल्स बनता है, फ्री हिट मिलता है और फिर चौके लगते हैं छक्के लगते हैं। लेकिन गेंदबाज पेस गेंदबाज आइए इस गेंद पर आते हैं जिसको यहां खेलने का प्रयास मात्र कर पाए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद गई 4 रन। तो 18 रन बन चुके हैं, आखिरी गेंद शेष बचा है इस ओवर में। सौरभ गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, आकाश बल्लेबाजी के लिए तैयार, इस ओवर के आखिरी गेंद को लेकर तैयार हुए, दौड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने गेंद ड्राइव कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, टाइमिंग अच्छा था लेकिन फील्डर के पास गई, रन लेने का अवसर नहीं, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर दो ओवर के समाप्ति पर 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है इस छोर से, बैट्समैन तैयार खेलने के लिए और क्या गेंद थी ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर गई, बल्ले को चलाया लेकिन अब बैन वाइड कह चुके हैं, पीछा किया था गेंद का कट करने के लिए लेकिन कहीं ना कहीं कट संपर्क हो पाता, प्लेसमेंट के साथ अगर गेंद निकलती तो बाउंड्री लाइन का रास्ता तय कर सकती थी। रन पर कम 19 पर एक विकेट के नुकसान पर, बाएं हाथ से आउट विकेट पर, राउंड विकेट वापस की जगह, ये गेंद उछाल ज्यादा था, लपेट कर खेलने का प्रयास मात्र किया लेकिन मिस कर गए। सब टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है हनन कतार जो कि पहले क्षेत्र रक्षण करेगा, जबकि छोर से अगली गेंद हाईस्कोलैंड से, गेंद को हटिया से खेल दिया फील्डर, जी हाँ काफी डीप में खड़े हैं लेकिन गेंदबाज ने खुद जाकर गेंद को उठा लिया, एक रन देने का अवसर। स्ट्राइक एंड पर अब आकाश आएंगे जबकि इस एक के साथ कुल योग बढ़कर पहुंच चुका है 20 पर एक विकेट के नुकसान पर। 34 और रनों की दरकार है, आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 11 वॉरियर्स जैसा मैं कहता हूं योद्धा होते हैं, ये गेंद ओवर द विकेट जिसको उछाल को कवर करते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले, दिशा देने के लिए गेंद को बाहर की तरफ निकलते हुए बल्ले का सिरा दिया जब तक फील्डर आते पॉइंट की दिशा में, एक रन पूरा कर चुके हैं आकाश 21 रन एक विकेट के नुकसान पर 21-1। संख्या दर्शकों की धीरे धीरे बढ़ती हुई
और इस क्रिकेट श्रृंखला में मैंने जैसे आपको बताया मैन ऑफ द मैच के लिए यमहा का एक शानदार बेस्ट बैट्समैन के लिए और बेस्ट बॉलर के लिए यमहा का शानदार बाइक रखा गया पुरस्कार के तौर पर और टियागो का एक जबरदस्त कार मैन ऑफ द सीरीज के लिए पुरस्कार दिया जाएगा और कौन बनेगा वो मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज माफ कीजिएगा बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर का खिताब किसे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। छोड़ सौ विकेट और क्या करारा स्ट्रोक है फील्डर के दिशा में गया और शानदार कैच के साथ ही ये दूसरा विकेट गिर चुका है। ಆಯೋಜನ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। सतीश आ रहे हैं शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेट अर्जित करने की कोशिश लगातार उनकी रहती है। इस बार क्या जबरदस्त प्रयास था कलाबाजी खा करके इनको कैच करने का प्रयास जरूर किया कैच भले ही उनके हाथ में न लगी हो लेकिन उस प्रयास के लिए अभिवादन करना होगा प्रशंसा करनी होगी कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता है क्रिकेट का एक शानदार महोत्सव जिसमें आप अपना योगदान दे रहे हो। विकास आखिरी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और स्ट्राइक गेंद पर आकाश बल्ले को थाम कर वो जानते हैं कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है और सुरक्षात्मक तरीके से सिंगल्स को भी बटोर कर मैच को जीता जा सकता है। पीछे तो भी गेंद को उन्होंने कट कर दिया इससे पहले कि फील्डर गेंद को उठाकर शरीर का संतुलन घूमकर शरीर का संतुलन बनाकर दो स्टंप्स की दिशा में थ्रो कर पाते एक रन पूरा हुआ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर तीन ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 24 दो विकेटों के नुकसान पर और इससे पहले के चौथा ओवर शुरू माइक्रोफोन पर चिराग को बुलाना चाहूंगा आगे का आंखों काल सुनाने के लिए। चिराग आपके आते ही कुछ चमत्कारी जादू भरी गेंदबाजी अगर हो जाती है तो बात बन जाए हालांकि हम चाहते हैं जो डिजर्व करता है वही जीते। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जरूर खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद जड़ में कर दी इसी कारण यहां पे ये डॉट गेंद आती हुई स्कोर बोर्ड पे लगे अब 24 रन दो विकेट के नुकसान पे। अभी भी अगर इस मैच की बात की जाए 8 ओवर का मैच है अभी भी इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 30 रनों की जरूरत। फिर से गेंदबाज फुल टॉस गेंद थी बल्लेबाज के पास मौका था लेकिन टाइम नहीं कर पाए एक रन यहां पे मिलेगा स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 25 रन दो विकेट के नुकसान पे। अभी भी अगर इस मैच की बात की जाए तो 29 रनों की जरूरत। तो अब यहां पे जो फील्डिंग है या सामने वाली जो टीम है कोलकाता की टीम वो यही चाहेगी कि अगर विकेट मिल जाए तो फिर इस मैच में दबाव आएगा और वॉरियर्स की टीम यही सोच रही है कि सिंगल डबल्स को अगर बटोरा जाए तो मैच वो आसानी के साथ अपने साथ ले जाएगी लेकिन देखना है क्या रणनीति होती है क्योंकि अभी भी इस मैच में बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत ही बढ़िया गेंद गेंद को सुरक्षा रूप से खेला वहां पर फील्डर मौजूद है उनके हाथों में ये गेंद जाती हुई। यूपीएल 2016 का ये भव्य दिव्य आयोजन आप देख रहे हो इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हो जिस प्रकार से दुधलिया रोशनी में मैच शुरू है बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट बहुत सारे दर्शक मैच का आनंद उठाते हुए लेकिन इस बार ये गेंद कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना क्योंकि बल्ला और गेंद में अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आपने देखा होगा सुबह से अगर जो स्कोर हो रहे थे पहला मैच सिर्फ 47 का था उसके बाद 100 के ऊपर रन हुए और जैसे ही शाम हुई तो स्कोर लो होने शुरू हो गए। उसका एक ही कारण है जो आप एनवायरमेंट में एक जो व्हाइट कलर की लेयर देख रहे हो इससे गेंद बाहर जल्दी नहीं जाती इसी कारण बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट नहीं हो पा रहे बड़े स्ट्रोक में।
इस बार फिर से वही गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। गेंदबाज तो अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। अगर इनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो इनको 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे, लेकिन इनके पास बैंक बैलेंस कम है, इसीलिए इनको खर्चा भी कम करना है। अगर यहाँ पे आपको मैच को जिताना है तो यहाँ पे रनों को बचाना है, आपको बल्लेबाज को रन नहीं बनाने देने हैं। अगर रन बनाते हैं बल्लेबाज तो फिर आसानी के साथ मैच को अपने साथ लेके जाएंगे। आखिरी गेंद अभी भी बाकी, स्कोरबोर्ड पे लगे 27 रन अभी भी। फुल टॉस गेंद, एक रन जरूर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़े से फिसले और इसी के साथ चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचावा 28। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जिस प्रकार से गेंद को कर रहे हैं बैक ऑफ द लेन, लंबाई रख रहे हैं गेंद को, और जिस प्रकार से आप पीछे अगर गेंद रखे तो बल्लेबाज के जो कंट्रोल से अगर बाहर हो तो फिर वहां से स्ट्रोक बनाना थोड़ा आसान नहीं होता है। अच्छी गेंदबाजी, इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क जरूर हुआ है लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर में यहां पे इजाफा होता हुआ, स्कोर पहुंचा 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 25 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 54 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां पे ये वॉरियर्स हैदराबाद, तो देखना है अब अगली गेंद। और यहाँ पे ये सीधा शरण, और अंपायर ने कहा बॉल। धन्यवाद दीजिए, तो ये हो गया सोने पे सुहागा। 6 रन तो आई ही थे, फिर एक फ्री हिट भी मिल गया, 9 का भी रन मिल गया, तो अब मैच पूरी तरह से पक्ष में मोड़ते हुए ये 11 वॉरियर्स हैदराबाद की टीम स्कोर बोर्ड में लगे 35 रन, सिर्फ मात्र 19 रन दूर अपने लक्ष्य से। 36 माफ कीजिए, 36। इस बार अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने एक रन चुराया, वो देख रहे थे पीछे, दूसरे के लिए नहीं दौड़ना चाहेंगे। जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है आपके साथी के ओर होना चाहिए, क्योंकि साथी क्या कर रहा है, क्योंकि आप में अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया तो फिर रन आउट का चांस बढ़ जाता है। और यहां पे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर पहुंचा 37 रन। famecricket.com पे आप ऑनलाइन स्कोर देख सकते हो, famecricket.com। यहाँ पे लोअर फुल टॉस, हवा में गेंद, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि मैच तो आपसे थोड़ा दूर है लेकिन विकेट जाने के बाद अगर आपको कोई चांसेस बने तो वो चांसेस आपको लेने चाहिए, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे लगे 38, अभी भी चाहिए 16 रन। ये ओवर थोड़ा सा महंगा घटता हुआ अब तक, आप देख रहे हो बहुत ही तादाद में दर्शक इस मैच का आनंद उठाते हुए इस MGM ग्राउंड में। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, एक रन लिया, दूसरे के लिए नहीं मांग है, एक की मांग थी, एक पूरा किया। 39 रन, अभी भी 15 रनों की जरूरत, 54 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ये मैच एक अच्छा मैच अब तक होता हुआ, लो स्कोरिंग मैच हम देख रहे हैं शाम से। आखिरी गेंद, फिर से अंपायर कहते हुए नो बॉल, तो फिर से फ्री हिट, स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होते हुए 40 रन। एक छोटा सा रन अप है, बड़ा बॉलिंग मार्क नहीं है, फिर भी नो कर रहे हैं जैसे की थी अश्विन ने, वैसे ही एक छोटा सा बॉलिंग उनका अगर मार्क देखा जाए तो काफी नजदीक से करते हैं, लेकिन इनका पैर काफी आगे चला जाता है और अंपायर बहुत ही यहाँ पे चौकन्ने होके इस नो को देखते हुए, बहुत ही सटीक अंपायरिंग कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के ये अंपायर्स काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ पे करते हुए अब तक।
और ये हवा में गेंद 6 रन। इस ओवर में दो बार ऐसा हुआ कि 9 गेंद आई और उसके बाद 6 रन लगे। अब स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 46, सिर्फ 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और लगभग 11 वॉरियर्स हैदराबाद की टीम इस मैच में पूरी तरह से पकड़ को मजबूत करती हुई, पूरी तरह से इस मैच में उन्होंने शिकंजा कस लिया है और सिर्फ 8 रनों की जरूरत। दो ओवर का अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, अब गेंदबाजी करने आए हैं रोन एन की तरफ से गेंदबाज इब्राहिम। रोन के सामने बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज है, वो है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक सीधा खेल दिया, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक रन तो जरूर मिलता हुआ। इसी के साथ 47 रन हुए हैं, 2 विकेट खोए हैं, मैच आसानी के साथ अपने पकड़ में अब तक लेती हुई ये 11 वॉरियर्स हैदराबाद की टीम। उनके 12वें खिलाड़ी थोड़ा सा अपने स्माइल को बढ़ाते हुए क्योंकि मैच अब उनके पकड़ में आता हुआ, लेकिन ये मैच खत्म करने के लिए और कितने गेंदे ये लेंगे ये अभी भी बाकी। अगली गेंद फिर से तैयार, ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज गेंद को उठा के भेजना चाह रहे थे आउट ऑफ द पार्क, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं आई और गेंद जब तक आती कीपर के दस्तानों में जाके बैठ गई। अभी भी 7 रनों की जरूरत। अगली गेंद फिर से बड़ा स्ट्रोक, लेकिन ये ब्लाइंड स्ट्रोक खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है क्योंकि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो रहा है और सामने वाले खिलाड़ी कह रहे हैं कि आपको रुक के खेलना होगा क्या, ये दोनों में क्या चल रहा है। लेकिन अब जब 7 रनों की जरूरत है बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हुए ये बाएं हाथ के बल्लेबाज 9 बॉल अंपायर ने कहा तो देखना ये 9 बॉल और अब होगा ये फ्री हिट। तो 9 बॉल काफी कर दी कोलकाता की टीम ने अब तक, फ्री हिट स्कोर बोर्ड पे लगे अब 48, सिर्फ 6 रनों की जरूरत। जो बल्लेबाज कब से ट्राई कर रहा है एक बड़ा स्ट्रोक, वो बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए उन्हें अब थोड़ी सी आजादी मिल जाएगी क्योंकि फ्री हिट है आउट नहीं होंगे, तो देखना है उस गेंद का पूरा फायदा उठाते हैं या नहीं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 रन चाहिए। धोनी स्टाइल में मैच खत्म करेंगे, नहीं हवा में गेंद, गेंद जब तक आई ये गेंद जाती है 4 रनों के लिए, तो अब जो फासला था वो कम होता हुआ स्कोर बोर्ड पे लगे 52 रन, 2 विकेट के नुकसान में, अभी भी 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। सैफ वॉरियर्स ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का यहां पे निर्णय लिया है, तो इसके बाद मैच होने वाला है हनन कतर्स और सैफ वॉरियर्स। और ये देखिए यही वो स्ट्रोक था, धोनी स्टाइल में मैच को कर दिया खत्म, बहुत ही बड़ा सिक्सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैच के लिए हमारे शिव नारायण सर वहां पे पहुंचेंगे, वो कहेंगे कि हु इज द मैन ऑफ द मैच और वो जा रहे हैं उस किताब के लिए। लेकिन अब इसके बाद जो मैच होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण मैच।